हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 के बारे में। रेडमी नोट 7 जो फोन है दोस्तों, ये विदाउट चार्जिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी इस तरह की इशू हो रहा है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से ये जो रेडमी नोट 7 इसे किस तरह से फिक्स करना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी नोट 7 है ना, वो जो फोन है दोस्तों, अगर आप चार्जिंग में लगाते हो तभी दोस्तों स्टार्ट होता है, वरना स्टार्ट नहीं होता है। तो इस तरह की इशू अगर आपको फेस करने को मिल रहा है तो जो मैं टिप यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, उस टिप को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका जो फोन है स्टार्ट होगा ही होगा। मेरे केस के ऊपर देख ही सकते हो, मेरा जो रेडमी नोट 7 है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ MI का लोगो दिख रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो रेडमी का लोगो दिख रहा है उसके बाद रिस्टार्ट हो रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मेरा जो फोन है दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता है, रेडमी का लोगो दिखाता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो अगर आप इस तरह की सिनेरियो के अंदर हो, अगर आपके फोन के अंदर भी इस तरह से हो रहा है, क्योंकि रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, 8, 8 प्रो, 9, 9 प्रो के साथ भी इस तरह की इशू देखने को मिल सकता है, तो आपको डेफिनेटली जो चीज करना होगा वो जो मैं इस वीडियो के अंदर जो स्टेप बताऊंगा वो चीज को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली ये जो इशू है आपके फोन के अंदर फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। सबसे पहले जो चीज आपको ट्राई करना होगा, आपको जो अपना देखना होगा, आपका क्या जो अपना जो फोन है वो क्या कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो रहा है। तो सिंपली हम जो कस्टम रिकवरी है उसके अंदर बूट करने की कोशिश करते हैं। कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को 5-6 सेकंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद अगर आपका फोन कस्टम रिकवरी के अंदर बूट कर जा रहा है तो काफी बढ़िया बात है। देखिए भाई, मेरा जो फोन है उसको कस्टम रिकवरी के अंदर बूट कर जा रहा है। सो अगर आप कस्टम रिकवरी यूज करते हो तो कस्टम रिकवरी के बूट करने के बाद दूसरा जो कस्टम रॉम है उसे आप ट्राई करके देख सकते हो। इवन जो आपको रिकवरी रॉम देखने को मिलता है, स्टॉक रिकवरी रॉम, उसको भी आप अपने कस्टम रिकवरी से फ्लैश करके देख सकते हो। अगर स्टॉक रिकवरी रॉम जो है आपके फोन के ऊपर फ्लैश हो जाता है तो आप डेफिनेटली आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका जो फोन है दोस्तों कस्टम रिकवरी के अंदर बूट नहीं हो पा रहा है और अगर आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं किया तब आप क्या करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। उस सिनेरियो के अंदर आपको जो चीज़ करना होगा दोस्तों, उस सिनेरियो के अंदर आपको फास्टबूट मेथड को यूज़ करना होगा। फास्टबूट मेथड को यूज करने के लिए आपके पास PC होना चाहिए। विदाउट PC दोस्तों फास्टबूट मेथड आपका कोई भी काम का नहीं है। तो फास्टबूट मेथड में जाने के लिए आपको जो है पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना होगा 5-6 सेकंड। उसके बाद आपका जो फोन है दोस्तों फास्टबूट मोड में चला आएगा। इस मोड में आने के बाद आपका जो PC है PC के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके PC के ऊपर मी फ्लैश टूल होना चाहिए। मी फ्लैश टूल से आपके फोन के लिए जो स्टॉक MIUI का रॉम है उसे आप फ्लैश कर दे, आपका फोन के ऊपर जो प्रॉब्लम है दोस्तों फिक्स हो जाएगा। अगर आपका फोन लोगों के अंदर अटक रहा है बार बार। नाउ मेरे सिनेरियो के अंदर जो चीज हुआ है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने दोस्तों स्टॉक रॉम फ्लैश किया है रिकवरी रॉम रिकवरी के साथ। इवन मैंने फास्टबूट मेथड के साथ जो अपना स्टॉक रॉम है उसे भी फ्लैश कर लिया है। दोनों ही सिनेरियो के अंदर मेरा जो फोन है दोस्तों बूट नहीं हो पा रहा है, MI का लोगो आता है, उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। तो इस तरह की इशू मैंने फेस किया है। अगर स्टॉक रॉम को इंस्टॉल करने के बाद भी आपका जो फोन है दोस्तों बार बार रीबूट हो रहा है, आपका जो MI का लोगो है उसके अंदर आके फिर से अगर रीसेट हो रहा है और आपका जो फोन है दोस्तों ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, तो इस चीज को फॉलो करोगे। सो अगर आपका जो फोन का बैटरी है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए आपका जो फोन है बार बार रीसेट हो रहा है, बार बार ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है। सो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको सिंपली नियर बाई जो लोकल शॉप है वहाँ पर जाना होगा, और अगर आप चाहो तो सर्विस सेंटर में जाके भी बैटरी को रिप्लेस कर सकते हो। बट यहाँ पर जो लोकल शॉप है उसके अंदर हमारे यहाँ पर 950 रुपीज के अंदर रेडमी नोट 7 का जो बैटरी है देखने को मिल रहा है। बट मैंने जो रेडमी का जो वेबसाइट है उस पर चेक किया था, रेडमी वेबसाइट के अंदर बैटरी का जो प्राइस है अभी फिलहाल 3000 रुपीज़ बोल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप चाहो तो लोकल स्टोर्स से भी कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो MI का सर्विस सेलर है वहाँ से कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 6 मंथ की वारंटी देखने को मिल जाएगी। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाओगे MI के सर्विस सेलर के अंदर। बट यहाँ पर जो लोकल स्टोर है दोस्तों उसके अंदर तो कोई भी वारंटी गारंटी होता नहीं है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, मेरे पास जो रेडमी नोट 7 है इसका जो बैटरी है वो शायद किसी तरह से जो है मेरे को, मतलब उस बैटरी को मेरे को रिप्लेस करना है। अगर हम यहाँ पर रेडमी नोट 7 के अंदर जो बैटरी है उसे अगर हम रिप्लेस करा लेते हैं तो मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड ये जो मेरा फ़ोन जो है बार बार रेडमी के लोगों के अंदर अटक जा रहा है, ये जो है फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर।
सो ये जो ट्रिप से अभी फॉलो कीजिए, अगर आपका फ़ोन बार बार रीसेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, तो समझ लेना आपका जो फ़ोन का बैटरी है उसे आपको रिप्लेस कराना है, उसे आपको चेंज कराना है, तभी दोस्तों आपका जो फ़ोन है दोस्तों फिर से काम करने स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।